अम्मी जान के हॉस्पिटल का बिल मैं भरूंगा, तेरी इंजीनियरिंग की फीस मैं दूंगा, तेरा 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 सबका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं देख लूंगा सब। तुम डरो मत, हमें लड़ना है, जिहाद, जिहाद के लिए लड़ना है हमें। किसके लिए, किसके लिए हम ये जिहाद कर रहे हैं, किसके लिए? हम सबके लिए कर रहे हैं ये जिहाद। देखो भाई, इस जिहाद में हमारी जान कभी भी जा सकती है, जाए तो जाए हमारी जान, जाने दो। हमारे मरने के बाद हमारे लोग खुश रहेंगे। इस जिहाद का मकसद क्या है? लड़ना है, हमारे अपने लोगों के लिए लड़ना है, ये हमारा फर्ज है। हाँ सुनो, तुम लोग अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों को कब क्या करना है सब मैं बता दूंगा। ये जंग है, हमें लड़ना है। लड़ना है तेरे को, किसके लिए लड़ना है तुझे, किसके लिए? मासूमों की जान ले रहे हो? इसका भरोसा मत करो, इसकी बात मत मानना, मरवाएगा ये। सर, गेट हिम आउट ऑफ हियर, हम लड़ेंगे। युद्ध करना चाहिए लेकिन बर्बादी के लिए नहीं, शांति के लिए, शांति के लिए। टेक हिम। एसीपी मोहम्मद खान, स्पेशल ऑफिसर, देश के लिए जान को एक भेंट की तरह मानने वाला डायनेमिक ऑफिसर। अगेन यू आर 5 मिनट्स लेट। ट्रैफिक सर। कॉफी, टी? नो थैंक्स। आईपी? यस सर। सोचा था यूजुअल अलर्ट है लेकिन शायद वो नहीं है, कल ही इंटरपोल से कैरी हुआ है, वो भी सेम रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। डेट पता नहीं, जगह पता नहीं, बट सिटी में सीरियल ब्लास्टिंग होगी। रेगुलर टेक्नोलॉजी नहीं है, जानते हो ना, वीआर मार्तंड। वीआर मार्तंड मींस दैट रॉ फेलो। कल ही उनसे बात की थी, ये उन्होंने ही भेजा है। आर यू रेडी? यस। ये इस वक्त हैदराबाद में है, उन्हें शक है कि इसका और इन ब्लास्टिंग्स का कोई संबंध है। शक? 2 साल पहले से ऑलमोस्ट पकड़ लिया था सर, लेकिन तब ट्रैक करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, बच गया। ओके, ये फाइल्स लेकर जाओ। जरूरत नहीं है सर। सर, ब्लास्टिंग नहीं होंगे सर, नो वे। 1 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। हरी भरी जमीन को रियल एस्टेट की जमीनों में बदलने वाले आज के दिनों में इस गांव में एक किसान है, नाम नरसी रेड्डी। खेती बाड़ी को जिंदगी का रोजगार नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानने वाला किसान। जी, आपके हरे खेत देखकर मुझे हरे नोट ही नजर आ रहे हैं। देश में गांव में सिर्फ उगाने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट कर लिया ना तो रियल स्टेट में आप ही नंबर 1 होंगे। डील पूरी होते ही आपको फोन करता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार। एक मिनट। हेलो, कहिए, क्या साइट पर कंकड़ है? ऐसा कह रहे हैं जैसे चावल में कंकड़ है। कंकड़ से परेशानी क्या है, रखिए फोन। देख रहे हैं ना, इन NRI से यही परेशानी होती है। बैठिए ना। बैठिए सर। मेरा नाम शेषा रेड्डी है, मैं इसका मामा हूँ, मेरे जीजाजी नरसी रेड्डी। जी, सिंडिकेट सुब्रमण्यम जी शहर से आए हैं। हेलो। हाँ, आधे घंटे बाद फोन करोगे तो असल में बात बताता हूँ, साइट देखकर रेट बताता हूँ। ओके, खेत किसके नाम पे? हमारे जीजाजी के नाम पर। नमस्कार सर। बैठिए ना सर। बैठ जाऊँ? 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ झूठ बोलने की, हो ही नहीं रहा। हेलो। हाँ चौधरी जी, नमस्ते, मैं मुंबई में हूँ सर, आपके ही काम से आया हूँ। अजी, काम होता ही आपको फोन कर दूंगा। ओके ओके। याद ही नहीं रहता किससे क्या कह रहा हूँ मैं। ओके, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। 1 एकड़ के 20 लाख, आपके 10 एकड़ के 2 CR, सिंगल पेमेंट, आपके 10 एकड़ के। ऐसे बरसेंगे सर, अगर हैदराबाद में इसी हिसाब से 1 एकड़ अगर आप 1 CR में खरीदेंगे ना, तो ये 1 साल में 2 CR हो जाएगा। मामा जी, CR का मतलब क्या है? CR मतलब CR करोड़। क्या यार, इतना भी नहीं जानते? हमारे जीजा जी कहना चाहते हैं कि देखिए, वो सब मैं नहीं जानता, आप लोगों को आपस में जितनी बात करनी है आप लोग कर लीजिए। पापा जी, छाछ यहाँ रख दो। बेटी बेटी,
ये क्या हमारे बैल के लिए ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा। क्यों शेषा रेड्डी? जीजा जी, क्या है हैदराबाद के बैल के लिए ठीक रहेगा? यहाँ इतने बड़े आदमी के सामने मजाक कर रहे हैं आप। अगर इस गांव के बैल को आ जाएगा तो वहाँ के बैल को क्यों नहीं? बैल जो भी हो, हिसाब तो वही है ना। है ना साहब जी? सर, माप हर जगह एक ही होता है ना? बिल्कुल होता है। मुझे तो लगता है कि अमेरिका के बैल को भी आराम से आ जाएगा। तो ये क्यों 10 एकड़ बेचकर वहाँ 1 एकड़ खरीदने की बात कर रहा है? फर्क क्या है? यहाँ 10 एकड़ का हिसाब वहाँ 1 एकड़ में कैसे होगा? हमने किसान के खानदान में खेती करने के लिए जन्म लिया है, जमीन बेचकर ऐश करने के लिए नहीं लिया है। दिखने में ये कमजोर जरूर लगते हैं, लेकिन इंसान बड़े तेज हैं। सर अब किसी भी तरह, देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो। मैं कल दोपहर रजिस्ट्रार के ऑफिस में रहूंगा। अगर उनके दस्तखत किए हुए डॉक्यूमेंट्स वहां आए तो कैश डाउन पेमेंट, नहीं तो मैं सर सर सर, सर मैं किसी भी तरह जीजा जी को मना कर। तो फिर कल दोपहर। हाय अंजलि, कैन आई टेक दिस सीट प्लीज? थैंक यू। पापा ने आपके बारे में बताया, सब कुछ बताया। सब कुछ बता दिया तो बात करने के लिए बचेगा क्या? लड़का स्मार्ट लगता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नाम आनंद। अभी नौवा रिश्ता देखने की जल्दबाजी में है। लड़की भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नाम अंजलि। ये शायद घबराया हुआ लग रहा है। हेलो, प्रिपेयर्ड है ना? हाँ प्रिपेयर्ड हूँ 100%। पिछली बार भी तूने ऐसा ही बोला था। ये रिश्ता तो पक्का कर ले। आई विल, डोंट वरी। ओके ओके, गुड लक। थैंक्स। हाय, आई एम आनंद, कैन आई टेक दिस सीट प्लीज? थैंक यू। ओके। हाय, कैन आई टेक दिस सीट प्लीज? या। थैंक्स। आपके बारे में पापा ने सब कुछ बताया, मेरे बारे में भी बताया होगा ना? नहीं बताया। ओह, नहीं बताया? उन्होंने कहा था बता देंगे। एनीवेज, आई एम आनंद, आई वर्क फॉर सत्यम एंड आई एम जावा सर्टिफाइड इंजीनियर। आई लव ओपन सोर्स, आई हेट माइक्रोसॉफ्ट। सैलरी 60K, लास्ट ईयर बोनस 100K। ऑलरेडी H1B भी प्रोसेस हो गया है। आपके बारे में सब जानता हूँ। यू वर्क फॉर द प्रो, आप डेटाबेस में प्रो हैं, है ना अंजलि? मैं अंजलि नहीं हूँ। आप अंजलि नहीं है? अंजलि मैं हूँ। सॉरी। कैन आई टेक द सीट प्लीज? या। हाय, आई एम आनंद। सुन लिया। फोटो देखी थी, लेकिन फोटो में जो होता है वो असल में नहीं होता ना, इसलिए थोड़ा डाउट था। एनीवे, आई वर्क फॉर सत्यम, सैलरी 60। बताया था अभी। ओह, तो अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में बता दिया था ना? तो अब क्या करें? बताती हूँ। अंजलि जी, मुझे आप पसंद हो, डेफिनेटली पसंद हो, कोई डाउट नहीं है। मैं? नहीं नहीं, आप नहीं। अंजलि जी, हम वापस कब मिलेंगे? नाम मेघना, थोड़ी अजीब है, हंगामेबाज। बेचारी सपनों के किस लोक में गई होगी ये पगली। आज के आधे युद्ध में जितना कंफ्यूजन है उतना सिर्फ अपनी मेघना में है। नॉर्मल चीजें इस लड़की को पसंद नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, पानी पूरी में हमेशा पानी होता है, तो और क्या चाहिए? ग्रेप जूस। ए मेघना, देखना तुझे लाइन मानने वाला। क्या है? आई लव यू। सॉरी। क्यों, कल तो देख के हंसी थी ना? वो तो कल ना, आज बोर हो गई। सब कुछ रूटीन रूटीन, लाइफ में कुछ और चाहिए, और क्या है ये मत पूछिए, क्योंकि वो हमारी मेघना भी नहीं जानती। वैसे हमारी मेघना है कहाँ? क्या मेघना, अंदर गए आधा घंटा हो गया, सो गई थी। क्या क्या? अब रेडियो जॉकी मैडी का पागलपन है, फोन करके बात करने का पागलपन।
यार फिर से कॉलेज बोर हो गई। इतना बोर हो रहे हो तो ये मैडी है ना? जब ये मैडी है, हाँ रेडियो पे। Hey guys, it's me, मैडी। आपका मैडी आ रहा है एक थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट के साथ। जल्दी बोलो ना। Okay, okay, अपनी रूटीन लाइफ को मसालेदार बनाइए। यही चाहिए। Yes, every day is a fresh every day. Moment thrills every and thrills moment ही चाहिए। मसाला ही मसाला। Yeah. Like 10:30 PM. देर हो रही है चलो। 0406640. मेघना मेघना और कॉलेज में फोन कर लेना। चलो ना। हाँ हाँ चलो। चल ना। अच्छा तुम क्या करोगी? क्या यार? देख इस मोबाइल yes, में मैडम मेरे लिए एक वेज रोल। वन वेज रोल। मुझे भी। टू वेज रोल। मुझे भी। वेज रोल रहने दो ना, ताजा नहीं है। ओह तो क्या लाओगे? ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है, सैंडविच मंगवाओगी तो अच्छा रहेगा। ओके वन सैंडविच फुल्ली ड्रेस्ड मोर टमाटो विद क्यूकम्बर विद रॉ सॉस। मुझे भी सेम। एक बार ऑर्डर करने के बाद कैंसिल नहीं कर सकते। क्या यार दिस इज टू मच। ए हीरो हाँ मिनरल वाटर रूम टेम्परेचर रोज बताओगी क्या? सॉरी हीरो। सुन तू इससे शादी कर ले। ए यू शट अप। चुप कर ना। ओ खाना आ गया। आई एम सो हंग्री। सैंडविच लुक्स गुड हाँ। God, I'm so hungry. ये खा सकता है कोई? हाय मम्मी। पढ़ाई कर रही है ना बेटी? हाँ पढ़ रही हूँ। अच्छे से पढ़ रही है ना? कहाँ ना मैं पढ़ रही हूँ। एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ रही है ना? अरे हाँ पढ़ रही हूँ। चिढ़ क्यों रही है? चिढ़ नहीं रही हूँ, अच्छी तरह से ही तो बात कर रही हूँ। हाय मेघना। हाय रोहित। रोहित ये रोहित कौन है? अरे क्लासमेट है। तेरा दोस्त है? ओके क्लास का टाइम हो रहा है अब फोन रखो। मेरी okay? बात तो सुन बेटा। बाय मम्मी। और मम्मी थी ना? यप। पापा हमेशा बिजी रहते हैं और मम्मी फ्री होती हैं। खामखा टेंशन लेती रहती हैं। इट्स सो बोरिंग। चल क्लास का टाइम हो रहा है चलते हैं। छी अगेन थीटा थीटा थीटा। प्रो कोसेसेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई टू वन माइनस कॉस थीटा बाई सिन थीटा कनेक्ट हो जाओ ना। टू टू साइन थीटा इज मुझे तुमसे बात करनी है। ओके स्टूडेंट्स थीटा 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 इस थीटा से तो मैं परेशान हो गई हूँ। पता नहीं मैडी का कॉल कब लगेगा। थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू सुनेंगे तो डांटेंगे। बाई साइन थीटा इज इक्वल टू मैडी का कॉल लग गया तो मैं चली जाऊंगी। सो आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर। Listen carefully, okay? Hello? Yes! This is Archie. What is going on? Hello? No cell phone in classroom. Get out! Okay. Hello? Hey, wait. Thank you, sir. Radio Mirchi 98.3 Red FM और मैं हूँ आपका hot guru. Right. Next song play करने से पहले मेरा next caller line पर है. Hello? Hey, Maddie. Oh, relax. मैं Maddie नहीं, Hemant हूँ. Hello, Radio Mirchi. Welcome to the morning show. अगर आपको मैडी चाहिए तो मैडी थ्रिल्स रात 10:30 ही आपको मिलेंगे। मैं हेमंत 98.3 FM से। अब नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम गीतांजलि। हाँ शुरू कर स्टार्ट। गरीबी में पैदा हुआ सर, माँ बाप बचपन में ही मर गए सर। मेरी एक बहन भी है, मेरी बहन का माँ बाप सब कुछ मैं ही हूँ सर। मुश्किल से डिग्री तक पढ़ाया था सर, पढ़ाया था जानते हैं सर। एक दिन इंटरव्यू के लिए गई मेरी बहन के साथ, ऑफिसर ने क्या क्या बताया सर, मेरी बहन को बर्बाद कर दिया सर, मेरी बहन को बर्बाद कर दिया, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, बर्बाद कर दी मेरी। अरे अरे बस कर तू, मेरी बहन के साथ बाहर कर इसे, बाहर बाहर कर इसे, चल निकल, ए चल निकल बाल। अरे मेरे बाप बस कर अपनी एक्टिंग। अरे बस कर, रुक जा तू। नहीं सर बिल्कुल नहीं। मेरा नाम है तेजा, टारगेट रवि तेजा। थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा है लेकिन है बहुत कलरफुल, है ना? सपने भी बहुत कलरफुल देखता है। सपना देखने वाला ही सपने सच करता है ना? तो इसका सपना क्या है ये इससे ही जानते हैं। देख मेरा नाम के शानेश्वर राव, सपना है राघवेंद्र राव का, लेकिन क्या फायदा, मैं तो छोटा सा भी डायरेक्टर नहीं बन पाया। अरे मैं कुछ नहीं बन पाया तो तू क्या बनेगा? मैं बनूंगा सर,
मैं NRT। NRT मतलब नेक्स्ट रवि तेजा। मैं ही हूँ सर। अच्छा, तू इस फील्ड में कब आया? लास्ट ईयर। चेन्नई का दूसरा नाम जानता है क्या? वो चेन्नई का दूसरा नाम यही है तेरी नॉलेज? बस में चढ़ के आ जाना, हैदराबाद उतर जाना, फिल्म नगर में घुस जाना और मेरा भेजा खाना। चेन्नई को मद्रास भी कहते थे पता है, उस जमाने में ट्रेन से आया था मद्रास। ये है हमारी सीनियरिटी। तो कुछ कर नहीं पाया और इसे सिखा रहा है। क्या कहा? सर टी सर। सब सुना मैंने, सीनियर को जवाब देता है, इसीलिए डायरेक्टर की जगह AD बन के रह गया है। चल कैमरा उठा, तुम्हें एक्सप्रेशन देना आता है क्या? एनी एक्सप्रेशन आप जैसा चाहे दूंगा, सोच भी नहीं सकते जो कोई नहीं दे सकता मैं दूंगा सर। अच्छा कुछ इमोशनल करके दिखा। चुटकी बजा के करके दिखाता हूँ ना सर। अच्छा चल मैं मूड बताता हूँ, तू करके दिखा। तुम एक लड़की से प्यार करते हो और वो लड़की भी तुमसे प्यार करती है शायद, अभी उसने कंफर्म नहीं किया है, लास्ट में उसने हाँ बोल दिया, तुम दोनों ने डुएट गाया, बीच में विलेन आ गया और तूने उसकी खूब पिटाई की, बाद में पता चला कि वो लड़की का बाप है, फिर लड़की को गुस्सा आया, उसने तेरे गाल पे थप्पड़ मारा, तूने रिक्वेस्ट की पर उसने नहीं सुना, अब तुझे गुस्सा आया, तूने ड्रिंक की, पीने के बाद तूने उसके बाप की जमकर तुड़ाई की, इस बार वो मान गया, लड़की ने भी माफी मांग ली, आखिर में तुम दोनों ने पकड़ा गया। तूने रॉन्ग एक्सप्रेशन दिया है, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उससे शादी करने पर रोया क्यों? शादी के बाद हसीन नहीं आती है ना सर। तू मुझे पसंद आया। सर काम दो ना। तूने सब निकाला? सब निकाला सर। तू उसे CD दे दे, वो तुझे 3,000 दे दे। ओके सर। कल सुबह तेरी प्रभास के साथ शूटिंग है, फ्रेम में प्रभास आगे रहेगा और तू उसके पीछे रहेगा। क्या बात है सर। सुबह शूटिंग करनी है ना तो छोड़ देना। सॉरी सर। इसका नाम पाशा है, बड़ा साइंटिस्ट, बहुत होशियार। अब होशियार को दिल हो ये जरूरी तो नहीं ना, इसलिए इसने अपने दिमाग को दूसरी ओर लगाया है। इसके घर में जश्न, देश में विध्वंस, इसका एजेंडा है। कोई नहीं देख रहा। आदाब अकबर। सीमा रुक जा, अकबर को लौटा दे। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोग वापस से सीमा। सॉरी बाबा जान, सॉरी। इट्स ओके ना। अरे कितनी बार कहा है बाबा मत कहा करो, भैया बोलो। डैडी के मेडल्स डेली देखती हूँ, वो तो मुझे याद भी नहीं है माँ। मेरे बाबा या भैया, सब कुछ मेरे बाबा जान। और कितने दिन, एक बार शादी हो जाए सब कुछ अकबर ही है। अम्मी जान ठीक कह रहा है बादशाह, इसलिए अगर तू जल्दी से शादी कर ले तो इस शैतान को जल्दी भेज कर अपनी बहू के साथ खुशी से रहूंगी। चाहे जो भी है, मेरी नूर बहन ही सब कुछ है। Come on, नूर, मैं जो भी करता हूँ सिर्फ नूरी के लिए करता हूँ, मेरी बहन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। Come on, नूर, smile. अकबर? सीमा। चलना। बाय। वैसे अपना नाम क्या बताया? सलीम भाई। यहाँ क्यों आयो? तुम फोन नहीं उठा रहे थे तो आयु भाई बोले के साथ मिलाओ। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। यहीं पे वेट करने को बोला है। शायद कोई अर्जेंट काम होगा, आयु भाई ने अभी लाने को बोला है। ठीक है तुम कार में वेट करो, मैं आता हूँ। टाइम कम है शायद। बात क्या है? सीधे पॉइंट पे आना मुझे भी पसंद है। टेल मी व्हाट डू यू वांट। शहर में 5 जगहों को पॉइंट आउट किया है। मतलब कम से कम 5 बम चाहिए। हाफ पेमेंट एडवांस। बाकी काम होने के बाद। ओके। कंजस कहीं का। व्हाट्स अप गाइस। हे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ यार? बताता हूं। मॉर्निंग रवि। मॉर्निंग। हाउ आर यू? मॉर्निंग। मॉर्निंग श्रवंती। व्हाट हैपेंड? कल क्या हुआ यार? फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या कहा उस लड़की ने? पता नहीं।
मॉर्निंग सर. सुनो, क्लाइंट को अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दिए. सो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो शिल टेल अस बैक. दिस क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस यार, मिस नहीं होनी चाहिए. दिस क्लाइंट इज सो गुड यार, सिंपली सुपर. रियली? या उसे तुम पसंद आने चाहिए ना. ए, क्या बात कर रही हो यार, ऐसा हो सकता है क्या? इसके पहले 8 लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट किया है. हेलो, उसमें से 5 मुझे पसंद नहीं आई. बी पॉजिटिव यार. अब इस क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स हमें किसी भी तरह पूरी करनी है. या मॉर्निंग सर. हे गाइस, दिस गर्ल इज सो स्पेशल. अगर इतनी ही स्पेशल है तो तुझे हाँ कैसे कहेगी? या तुम लोग अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ. यस, लेट्स मीट का, लेट्स मीट का, ये लेट्स मीट का. गुड मॉर्निंग. लग गई यार. यार 3,000 लेकर 20 रुपए की सीडी हाथ में रखने वाला पागल तुझे रोल देगा? अरे यार, ये 20 रुपए की सीडी नहीं है. ये भविष्य में सुपरस्टार बनने वाले तेजा का टैलेंट है. आफ्टर 1 ईयर इसकी पायरेसी सीडी बनकर 3,000 में ना बिकना तो मेरा नाम तेजा नहीं. अरे चुप हो जाओ. यही बात तू पिछले 2 सालों से बोल रहा है. चाहे जितने भी साल हो यही बात बोलता रहूंगा. टैलेंटेड एक्टर हूँ, डायलॉग बदलता रहूंगा. ये ले 4-5 बूंदे पी के एंजॉय कर. सुनिए तेजा, सपनों में कब तक जिएगा तू? यार जब तक मैं हीरो ना बन जाऊं. तू नहीं सुधरेगा यार. इस चेहरे में तुम्हें कौन नजर आ रहा है? एक महापागल नजर आ रहा है. तू ही है यार. नेक्स्ट मूवी तेजा. NRT. The night is still young and you are listening to Radio Mirchi 98.3 FM Thrills with Maddie. Routine life, boring life, show baby. बिंदास लाइफ में एवरी सेकंड शुड बी अ थ्रिल. आप सबको पसंद आने वाले थ्रिल्स, हमेशा आपको याद रहने वाले थ्रिल्स. लेकिन ये थ्रिल्स कहाँ मिलने वाले हैं? आपको बताने वाला है ओनली ऑन थ्रिल्स विद आरजे मैडे. आपको पसंद आने वाले थ्रिल्स के लिए मुझे कॉल कीजिए 0406409834. हेलो ट्विन सिटीज एंड वेलकम बैक टू लेट नाइट थ्रिल्स विद मैडे. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. और ये बहुत hot है, guru. Okay, अब देखते हैं कि next caller कौन है. Let's see who that is. Hey, it's a new number. Nice. Connect हो गया. हाँ तो कौन बोल रहा है? Hello. Meghna. Meghna, nice name, Meghna. क्या Meghna हमेशा मेघ में रहती है? नहीं, और भी ऊपर. I'm always flying on the moon. Hey, nice one. I like that. Smart answer, Meghna. Meghna, बताओ क्या चाहिए? जल्दी से आइडिया बताओ. Superb होना चाहिए. Different होना चाहिए. अच्छा होना चाहिए. Okay, okay. तो हॉट कॉफी में आइसक्रीम मिलाकर पी लीजिए. वो तो बचपन में ही पी लिया था. तो फिर किसी से प्यार कीजिए. You know, fall in love. But time waste नहीं करते. Okay, you are serious. तो फिर मूवी जाकर सो जाइए. रोज यही तो करती हूँ. ठीक है, तो फिर मेरे ऑफिस आकर मुझे खा लीजिए. मैं नॉनवेज नहीं खाती. ए, देखो मेघना, टाइम देखो. इट्स नॉट अ मिडनाइट शो, इट्स अ लेट नाइट शो. स्लीप ड्रीम, सो जाइए. हैव अ एक्साइटिंग ड्रीम्स. मुझे तो नींद ही नहीं आ रही. इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम. योर ऑन एयर. मेघना, तुम कहाँ हो मेघना? पंचकुटा. पंचकुटा, 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 पंचकुटा. वहाँ एक बड़ा शमशान है ना? तो आप वहां जाइए, बहुत थ्रिल रहेगा. और अगर आपका लक अच्छा हो तो 1-2 भूत मिल जाएंगे. उनसे बातें कर लीजिए. What do you think? Yes. Yeah. This is superb. Thank you. Well, go. Hey, Meghna, Meghna, Meghna. Listen, Meghna. I was joking. On it. Meghna, while you are going, this is to help you on with that experience. And for the rest of you, until next time, have a thrilling time. This is Maddie signing off from Radio Mirchi 98.3 FM. Ye bahut hi hot guru. Jija ji, churaye hue mata ji ke gehne kahan chupaye the? वही कहीं तुम्हारी दीदी की समाधि के पास छुपाया था मैंने. मेरी दीदी की समाधि कहाँ है? गड्ढे के बगल में. गड्ढा कहाँ है? समाधि के बगल में. समाधि कहाँ है जीजू? गड्ढे के बगल में. चलो चलो गड्ढा ढूंढते. वाओ, बहुत थ्रिलिंग है.
आधी रात शमशान में शिकार। ये कौन सा थी लेगा यार, उस रेडियो मिर्ची वाले ने तो हमें फंसा दिया। जानती हो मेरे बिना मेरा बॉयफ्रेंड मर जाएगा। मरेगा तो यहीं आएगा। हाँ अच्छी जगह ढूंढते हैं। ध्यान से जीजू, भूत और प्रेत के बीच में क्या फर्क होता है जानते हो? समझ ले, दारू शुरू करने वाला भूत है और उससे खत्म करने वाला प्रेत है। इसका मतलब आप प्रेत हो? दीदी की समाधि को कैसे पहचानोगे जीजू? समाधि में बड़ा मीनार बनाना चाहिए था। तेरी दीदी के लिए ताजमहल नहीं बनवा दूं? तेरी दीदी जब मुमताज थी, चलिए चलिए, एक खाली बोतल रखी थी। बोतल उजाला करके देखो। चाहिए एक मिनट, अगर गहने नहीं मिले ना जीजू। ओह माय गॉड, क्या कर रही है ये लड़की? ये शमशान कितना सुंदर है। यहाँ हम ठंड से कांप रहे हैं और तुझे ये सुंदर लग रहा है? ए जरा बाहर देख, उधर देख, हवा में आग नजर आ रही है। वो चुड़ैल हो सकती है। जिंदा रहे तो बिना बॉयफ्रेंड के भी जी सकते हैं। चलो यहाँ से, चल भाग, रुको, भाग, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिस कर दोगे। ये देखो बोतल, यह खुदाई करो। जीजू कहीं दीदी जाग गई तो? जागने दो उसे, जब जिंदा थी तो नालायक समझती थी मुझे। एक लाख दूंगा खुदाई कर। जीजू ये भूत सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? अरे वो उनकी यूनिफॉर्म होगी, अगर दिख गया तो पूछ लूंगा। तू खुदाई कर, बेकार की बकवास मत कर, खुदाई कर। देख दिख गया इतने गहने। जीजू अगर इन्हें बेच दे तो 1 करोड़ मिल जाएंगे। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या भूत हो? आप लोग भूत हो ना? जीजू मोहिनी चुड़ैल है क्या? मोहिनी नहीं, मेरा नाम मेघना है। नाम भी बता दिया इसने। अरे चल 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 जल्दी चल, क्यों रे? मैं तुझे भूत लगता हूँ? भूत कौन है? क्यों बेटी तुम भूत हो क्या? अरे नहीं, मैं लड़की हूँ मेघना। शाबाश, औरत आधी रात को शमशान में घूम रही है, इसका मतलब हमारा देश बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। इन्होंने ये छोड़ दिया था माता जी के कहने। अरे बेवकूफ, मैं जानता था, जैसे ही सुना माताजी के कहने चोरी हो गए, मुझे तुम पर ही शक हुआ और मैं भाग भाग करते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। और आज इसकी वजह से गहने मिल गए, तुम लोग मिल गए और मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। थैंक यू बेटी, मुझे जेल मिल गया। नालायक बेटा कहाँ है? बस कीजिए जीजा जी, बदलते दिन है, देखना चाहिए। ऐसे बदलते दिन, गाँव के आधे लोग हैदराबाद चले गए हैं। हाँ तो कुछ नया तो नहीं मांगा ना, जो है वही तो मांगा है। हाँ, जो कुछ है सब मांग रहा है। इसका मंगलसूत्र मांगा है क्या? एक वक्त मेरे बाप की जान पर बनाई, मैं खेत बेचना चाहता था, तब मेरे बाप ने बुलाकर कहा, अरे खेत किसान की इज्जत है, उस इज्जत को किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहिए, इसे पैदा करते वक्त इसकी जान पर बनाई थी। मैंने बहुत तकलीफें उठाई पर खेत बेचने के बारे में सोचा भी नहीं। इसके अलावा और भी मुसीबतें झेली हम लोगों ने, लेकिन खेत को नहीं बेचा। आज ये जमीन बेचने को बोल रहा है, कल दूसरी जमीन बेचने को बोलेगा। किसकी मौत आई है जो जमीन बेचना चाहता है? मेरी मौत आई है। वैसे भी इस बुड्ढे को बेटा बहू पोता बीवी किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन बेकार की खेती तो इसे करनी है। बेटा ए, तुम उधर जाओ। लक्ष्मी यहाँ आओ। मेरा बेटा कहाँ है? सिन्नू, सिन्नू यहाँ। अभी हमें जाना होगा, बस तुम्हें आखिर में खेत बेचना ही पड़ेगा, कह देता हूँ। समझ में आया मिस्टर इप्पल नरसर रेड्डी? तुम्हें खेत बेचना ही पड़ेगा। देखो इसको, पी करके आया है। हाँ पीकर आया हूँ, पीकर ही आया हूँ, दूसरों के पैसों से भिखारी की तरह पीकर आया हूँ। अरे जिसके पास 5 एकड़ भी नहीं है वो भी कार में घूम रहा है, और मेरी किस्मत क्या है? क्या मैं खुश ना रहूं? मेरा बेटा किसी भी हाल में खेती नहीं करेगा। तुमने खेती करके क्या कमा लिया आज तक बता? निकल बाहर, तुम कुछ नहीं कर पाए। क्या है ये? मुझे बताओ कि आज तक खेती में क्या फायदा हुआ नुकसान के अलावा? फायदा नुकसान कहाँ से आई ऐसी बेकार की बातें तेरे दिमाग में?
ये व्यवसाय नहीं धर्म है बेटा। धर्म तुझे पैदा किया था तो फायदा नुकसान नहीं सोचा था, ये भी वैसा ही है। व्यवसाय नहीं है बेटा, धर्म है बेटा, धर्म। मुझे तुम्हारा धर्म नहीं चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अगर नहीं माने तो मैं कल पंचायत बुलाऊंगा। अगर कल तक दस्तखत नहीं किया तो फिर हमारे बीच झगड़ा होगा। पंचायत बुलाऊंगा मैं। उस पंचायत में इस नर्सी रेड्डी की छड़ी भी नहीं आएगी, समझा दी इसे। अरे तुम्हारी छड़ी किसे चाहिए? सुबह दस्तखत नहीं किया तो मैं पंचायत बुलाऊंगा, ये मेरा फाइनल फैसला है। सभी बम रेडी हैं। रेडी फॉर व्हाट? लगाने के लिए या फटने के लिए? अब देखना, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। लाइए लाइए लाइए, जय हो लक्ष्मी देवी, ये लो। चलो चलो, कमीशन है मेरे। हाँ। ये रजिस्ट्रार के लिए। हाँ। ये गाड़ी के। हाँ। हाँ, आ रही हूँ, जल्दी आइए। माँ क्या कर रही हो, जल्दी आओ ना। हाँ आ रही हूँ। को दे दो। माँ जी ये लीजिए चाबियां, आपको देने को कहा है। ये लाइट्स, कैमरा, मेकअप, क्या बात है। ये मेरी शर्ट कैसी है, हीरो लग रहा हूँ ना। हीरो कैसे नहीं लगेगा, 1500 लगा के खरीदिए ना। पैसे की बात कर रहा है, बस एक हिट दूंगा ना, 1500 2000 नहीं 10,000 के कपड़े दिलाऊंगा। पिक्चर हिट होने देना। NRT यार, वो डायरेक्टर लिपस्टिक लगाया ना। हाँ ठीक है। अरे लगाया या खा गया? सर जी। अरे आ गया, वाह वाह वाह, ड्रेस बहुत अच्छी है, जरा उधर घूम। अरे क्या प्रोफाइल है, ऐसी प्रोफाइल तो मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा 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 अच्छा, सर हीरो जी आ गए, आपको जल्दी बुलाया। आ गया, बोल दे कि मैं आ रहा हूँ। क्या बोलूँ, मुझे बिना देखे मेकअप भी नहीं करता। एक बात बोलूँ, तुम छोटे मोटे कैरेक्टर के लिए नहीं, बड़े कैरेक्टर के लिए बने हो। फ्यूचर बहुत ब्राइट है तुम्हारी, यकीन ना हो तो बॉन्ड पेपर में लिख दूँ। डायरेक्टर साहब लाइन पर है। बोल दे कि बिजी हूँ। मैंने उनसे कह दिया कि आप खाली हो। हेलो बोलिए सर, भूल गया सर, सॉरी सर, रख दिया उसने। उसे लगता है मूवी हिट होगी, पक्का फ्लॉप होगी। क्यों, हम नहीं है क्या, हमें चांस दे सकते हैं। पता है कब से हूँ मैं, जब चेन्नई मद्रास था। अब बता क्यों आया तू यहाँ, हमारी फिल्म में। ए मेकअप इधर आ सर, जब तक मेकअप ना हो जाए मेकअप करते रहना इसका। चलो जाओ। थैंक यू सर, चलो मेकअप दादा। ओवर एक्शन मत कर। ए बैकग्राउंड सब रेडी है ना, शॉट रेडी है ना, रेडी रेडी। सर सर सर, सीन क्या है? सीन क्या है? हाँ, उस दिन सिचुएशन के साथ एक्सप्रेशन दिया था ना, अब एक्शन कहूंगा, इमोशन दे दे। चल जरा जा जा, रेडी। सर साउंड, मैं बताता हूँ ना, चुप रहे। कैमरा बोल रहा है। अरे एक्शन भी बोलेगा, बस खड़ा रहे। पहले जूनियर आर्टिस्ट जाएंगे, फिर तुम जाना। अब क्या कर रहे हैं? चलना यहाँ से वहाँ। अरे आजा। आया आया है, आया। ओ, 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 क्या बात है, क्या बात है। अरे शॉट ओके, सुपर यार, फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट टेक ओके, अब तू सुपरस्टार बन के रहेगा। सर एक छोटा सा डाउट है, उतनी दूर से कैमरा में
इतनी दूर खड़ा इंसान नजर आएगा क्या? लेंस होता है, कैमरा में जूम होता है, कुछ जानते भी हो? कुछ नहीं जानते। पहले ही कहा था ना कि आगे प्रभास रहेगा और ये उनके पीछे रहेगा। मैंने ये तो नहीं कहा था कि बीच में और कोई नहीं होगा। बेवकूफ कहीं का, तू सुपर है यार, बहुत ऊपर जाएगा। मुझे तो ये सब अजीब लग रहा है। हाँ बोल आयु, बॉम्ब्स रेडी। 1 किलोमीटर तक कुछ नहीं बचेगा। कहाँ रखना है भाई? कहाँ मतलब? अगर पब्लिक को कुछ हो तो पुलिस आती है, पुलिस ही नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट बॉम्ब टास्क फोर्स बिल्डिंग में लगाओ। वहाँ ले भाई, बॉम्ब डिफ्यूजिंग टीम भी उसी बिल्डिंग में है, डीजीपी के साथ। सब कायम। ट्रैफिक जाम हो गया, चल चल। संजना कहाँ है? ए संजना, कम फास्ट यार, हमेशा लेट आती है। हे, रेडियो मिर्ची बैंड। कम कम, देखते हैं मैरी है या नहीं। हाय, आशय मैरी यहाँ है? He's not here. He's at home. Okay, तो उनका नंबर बताइए। हेलो। हे मैरी, दिस इज मेघना। मेघना? हाँ, मेघना शमशान थ्रिल। ओह मेघना, मेघना, हेलो, हाय। गाइस, मेरा नंबर किसने दिया? आपके रेडियो मिर्ची बैंड वालों ने दिया। वो बैंड नहीं है मैडम, इट्स अ रॉक बैंड। जो भी हो, क्या कर रहे हो? स्टर फ्राई, गॉड डैम इट। व्हाट? तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, खाना बनाना भी आता है। ठीक है, लेकिन बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं सूझ रहा, रूटीन रूटीन रूटीन। अच्छा आइडिया बताओ ना। तुम्हें आइडिया बताने से थोड़ा डर लगता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैडम, मैंने तो मजाक किया था और तुम सच में शमशान चली गई। यू आर डेंजरस। तो अब सीरियसली कोई आइडिया दो, जल्दी बताओ ना। तुम इंदिरा पार्क में ही हो ना? हाँ। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्सर्ट? हाँ। इट्स अ पब्लिक कॉन्सर्ट, कोई भी गा सकता है, सो जाकर गाना गाओ। व्हाट? या ओह माय गॉड, इतने लोगों के बीच? क्यों डर लग रहा है मेघना? सी, वो फ्लड विक्टिम्स फंडरेजिंग प्रोग्राम है, अगर तुम उसमें गाओगी तो अच्छे काम में मदद कर पाओगी। लेकिन मेरी आवाज। मेघना मेघना मेघना, कई बार गले से गाने की जरूरत नहीं होती, कभी दिल से गाना चाहिए। गाकर देखो तो तुम नहीं रहोगी। यू विल बी फ्लाइंग ऑन द मून। आर यू श्योर? वो जानता नहीं ना अपन हीरो है। हैदराबाद में हमारे प्लान का सीबीआई को पता चल गया है। बॉम्ब्स को ढूंढने के लिए
दिल्ली से एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स आ रहा है। कौन? मारतंड। अगर वो उनसे मिल गया तो बॉम्ब लगाना मुश्किल होगा। नहीं मिलेगा। हेलो मारतंड। मॉर्निंग सर। कितनी दूर हो? 10 मिनट में ऑफिस पहुंचूंगा। डिवाइसेस लेकर आ रहे हो ना? सारे डिवाइसेस रेडी है सर, लेकर आ रहा हूँ। आई विल सी यू इन द ऑफिस। श्योर सर। ड्राइवर ग्लास नीचे करो। जी सर। अयूब, तू सच में शैतान है रे। अब हैदराबाद को कोई नहीं बचा पाएगा। अयूब यहीं कहीं पर है सर। इस बस स्टैंड में बम है, ये बात हम जानते हैं। जब वो फटेगा कौन जानता है कि वहां कौन होगा। परफेक्ट। वैसे तुझे कौन सा गिफ्ट चाहिए? कुछ भी नहीं। तूने क्या खरीदा? बुक। तू इससे ज्यादा सोच भी क्या सकती है? नहीं। अकबर साहब के लिए ग्लैमर मेंटेन कर रही है। ग्लैमर ही नहीं, जानती हो एक अच्छा सा गिफ्ट प्लान किया है। कैसा गिफ्ट? तलवार। परफेक्ट। लेकिन एक बात बता, बादशाह भैया ने तेरे लिए कुछ खरीदा? वो तो कब का खरीद लिया, तूने देखा नहीं? रूम में ही छिपाया होगा। मैं जाकर देखती हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सीमा क्या कर रही हो? बाहर जाओ। क्यों हमेशा बाबा से डांट खाती रहती है? हाँ बाहर आ जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। सॉरी भैया। सलाम वालेकुम। फिर भी मेरी बात तुझे समझ नहीं आ रही, क्या है तेरी प्रॉब्लम? एक मिनट, ढूंढ रही थी। कौन है? अकबर है। अकबर? सच में? हाँ। हाय श्रवंती। हे क्या हुआ? हे आप जाओ। रवि? हाँ। फायर ड्रिल है क्या? लाइफ ड्रिल है, नौकरी चली गई यार। व्हाट? क्या हुआ? टेक ओवर, हमारी नौकरी चली गई यार। डिपार्टमेंट के सारे लोग जा चुके हैं। इसलिए श्रवंती, सोच रहा था कि लाइफ रूटीन हो गई है, अच्छा चेंज मिल गया। गुड, कुछ दिन लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये रहा तुम्हारा चेक। थैंक यू सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट। और अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं जाएंगे। सर मुझे मत बुलाइए, वैसे भी मैं ब्रेक लेना चाहता था। थैंक यू। हे आज फ्राइडे है, शाम को मिलते हैं। बाय सर। क्या हुआ? मैंने जो सुना सच है क्या? क्या सुना है? इट सीम्स यू लॉस्ट योर जॉब। या आई एम सो सॉरी। अभी क्या कर रहे हो? मैं घर में छोटी सी पार्टी। डोंट वरी बाबा, अपने दोस्त को कॉल करके कोई दूसरा जॉब ढूंढ लूंगा। ओके ओके, यू एंजॉय योर जॉब, आई विल एंजॉय माय पार्टी। ओके ओके, बाय। क्या हुआ यार?
नहीं कुछ नहीं। अरे लड़की जो भी करे सावित्री हीरोइन आ गई है। ए, हमारी सावित्री आ गई। ए, तुरा खोल, मैं बाद में करता हूँ। ए, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम वेलकम। अरे रे रे, फैन देना, मुझे एसी के बिना स्किन एलर्जी हो जाती है। तो गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, बच्ची को बाहर भेज दीजिए। बेबी लोकेशन आ गया है, उतरो बेटा, आओ बेटा। गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत थकी हुई है, क्या लेंगी मैडम, जूस या नारियल पानी? देखिए मेरे लिए पपीता लेकर आओ। पपीता चाहिए? पहले जूस। हाँ, आप जाइए, मैं भेजता हूँ। हाँ भिजवाते हैं। तो कलिंगर की तरह और पपीता चाहिए। नमस्ते। अच्छा, आ गए? नमस्ते। अब आओ। उस दिन तुम्हारी क्लिप देखी थी, तुम्हारी वॉक तो बिल्कुल रवि तेजा जैसी है। तुम एक दिन जरूर जल्दी भेजना। हाँ हाँ, भेज दिया है, पेड़ से तोड़ के लाता ही होगा आपके लिए। तुझे एक बात बताऊँ, हमारा एक प्रोड्यूसर शूटिंग कर रहा था तो उसे ये मिल गई। जब से ये मिली वो भिखारी बन के घूम रहा है, और इसकी बेटी हीरोइन बन गई तो ये सीने पर मूंग दल रही है। तू क्यों आया? लंबा रोल मिल जाता तो। रोल चाहिए तो रील ले, क्या रोल दे दूंगा। वो क्या होता है? बहुत हो गया, दिमाग मत खा। ए तुम इधर आओ, कैमरा स्टार्ट। ओके, वाइड शॉट में हीरो वहां जा रहा है। हाँ। तूने हीरो की तरफ देखा? हीरो वहाँ जा रहा है, यहाँ क्या देख रहा है? कितना गिरा पता है? क्या गिरा सर? पैसा नहीं गिरा है, रोल के लिए कितना गिरा है? 10 सेकंड हो गए, 240 फ्रेम्स खा लिए तूने। मुझे समझ में नहीं आ रहा समझ सर। समझ नहीं आया? ठीक है बताता हूँ। अगर तुझे रोल चाहिए तो अपनी रील लानी पड़ेगी। खर्चा कितना होगा सर? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 लाख। 1.5 लाख? क्या लगा क्या? 100 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ एक चिरंजीवी, दैट इज मेगा स्टार, सिर्फ एक रवि तेजा। अगर तुझे भी ऐसा बनना है तो खर्चा करना होगा। करूंगा ना। आज साइड हीरो, कल सोलो हीरो, परसों मल्टी स्टार हीरो, कल तुम्हारे साथ पवन कल्याण, NTR, महेश बाबू। हाँ, और अगर एक भी हिट हो गई तो मणिकोंडा में 1 एकड़ में घर और BMW कार। सर मैं पैसा दूंगा सर। तो ठीक है, कल पैसे लेके आओ, परसों शूटिंग। सर 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 सर, 2 हफ्ते का टाइम दो ना। भरोसा नहीं है क्या? अरे सर, इसके सर की कसम। पड़ेगा, मुझे जाना है। तेरा पपीता मत भूलना। मुझे काले। मेघना। हाय मैडी। टेल मी, अर्जेंटली एक आइडिया दो ताकि ठंड भाग जाए और थ्रिल आ जाए। क्या कर रही हो तुम? क्या करूंगी, जैकेट पहनकर ब्लैंकेट ओढ़कर तुमसे बातें कर रही हूँ। ओके कूल, अगर तुम्हें सच में थ्रिल चाहिए तो जो कुछ भी हो रहा है सब निकाल दो। व्हाट? तब तुम्हारे नंबर पर नहीं 108 पर कॉल करना पड़ेगा, मर जाऊंगी। तुम्हें थ्रिल चाहिए या नहीं? ओके ओके चाहिए। गुड, तो अब उन सबको निकाल कर फोल्ड कर दो। नेक्स्ट। तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? सो रही हैं, गहरी नींद में। तो उनके बेडशीट्स भी हटा दो। ओके ओके, फोन मत काटना। ओके, अब क्या करना है? अब उन सबको लेकर क्रॉस रोड्स पर जाओ। क्यों? तुम्हारा थ्रिल वही है। ओके थैंक्स, बाय। वेलकम, बाय। हाँ बस यहीं रुक जाओ। मैडी। बोलो। मैं पहुंच गई, अब क्या करना है? अब बताओ वहाँ क्या क्या है। चाय की दुकान खुली है और बाकी सब बंद है, तो अब जो देखना चाहिए तुम हमेशा उसके ऑपोजिट ही देखती हो, आदत है क्या? ओके, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, देश का भविष्य बच्चों के हाथ में, बट आई एम नॉट अ किड। मेघना 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 मेघना, तुम्हें ऊपर नहीं देखना, नीचे देखो। ओके नीचे। हेलो, बहुत ठंड लग रही है, भूख भी लगी है दीदी। जी? 10 समोसा और बिस्किट पैकेट चाहिए। जी मैडम, ये लीजिए। थैंक यू।
ये लो खा लो। ओके थैंक यू दीदी। हेलो मैडी। हे हाउ इज दैट? मेरी आंखों से पानी क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अपने आप में छुपी खुद को ढूंढ लिया है। तुमने अपने आप को किसी से शेयर किया है इसीलिए आंसू। अब इससे ज्यादा थ्रिल और क्या होगा? Hey, you want any more thrill? तेजा, अच्छा शीशे में पोज मार रहा है, पैसे कैसे देगा? अरे अपने दम पे बे। सिर्फ वो काफी नहीं है? हाँ पता है, दिमागी शक्ति भी होनी चाहिए। उसके साथ हम ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या करेगा यार? 1.5 लाख मिलने के बाद तुझे समझ में आ जाएगा ये है कि नहीं। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या है ये? कर क्या रहा है ये? वो क्या गया इसे? किसकी नजर उतार रहा है? फिल्म इंडस्ट्री के विशाल आकाश में आने वाला एक और सुपरस्टार। ओहो क्या है ये? मुहूर्त के दिन हीरो के फैंस पार्टी करते हैं। सेकंड हीरो को तो डबल पार्टी करनी चाहिए ना, इसीलिए तो ये बनाया है। कैसा है? अच्छा ही है। अरे हाँ, पैसा वसूल। ये तो अच्छा ही है लेकिन पैसा जाएगा। यार वो डायरेक्टर का नंबर है। हेलो डायरेक्टर साहब, मैं एनआरटी बोल रहा हूँ। पैसे नहीं मिले जी। पागल हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? पैसा कहाँ लाएगा? हाँ बोला तो था लेकिन नहीं ला पाए तो क्या करें? क्या करें फिर? पैसे कहाँ छिपा कर रखे थे अपने पेट में? छिपे रुस्तम। अब समझ में आया किसमें दिमाग है? अब मैं समझ गया, दिमाग मुझ में। बीसीओ के डिब्बे में बिना सिक्का डाले कोई बात करता है क्या? ये था दिमाग, समझा क्या? इसे कहते हैं दोस्ती। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। कॉफी? आनंद को नई जॉब मिल गई क्या बेटा? वो पापा अभी ट्राई कर रहा है और हाल ही में अप्लाई भी किया था। रिसेशन है ना, कह रहे हैं कि बाहर ज्यादा जॉब्स भी नहीं है। तुम उससे बहुत फ्रिक्वेंटली मत मिला करो, बी प्रैक्टिकल। हमारे पास सिर्फ यही एक रिश्ता नहीं है, शिकागो का रिश्ता भी है। श्रीहरि का शिकागो में अपना घर है, सोच कर देखो बेटा। वैसे वो मेल में क्या था? प्रदीप नाम का मेरा कलीग है, उसे मिलने से तुम्हारी जॉब, यू नो ऑफिस में वैकेंसीज है, कैसे भी मदद करके। अंजलि छोड़ दो, मैं अपनी जॉब ढूंढ लूंगा। ओके ये लो जी। जाओ। साधारण बात नहीं है, गच्ची बोवली के पास अच्छी साइट मार ली। चीयर्स। बोनट भी चेक करो। What's going on? What is this nonsense? क्या ये? Bomb checking sir. Bomb my foot. Traffic हटाओ, हटाओ traffic. कौन है वो? सुनते नहीं हो क्या? Problem क्या है? हैं? Hello? क्या चक्कर है ये सब? जानते हो मैं कौन हूँ? MLA का भाई हूँ। MLA हो या उसका भाई, बाप, माँ, जो भी हो, बॉम्ब फटेगा तो मरेगा ही ना। चेक करना पड़ेगा। चल जा। चला। हाय अर्जुन, हाउ आर यू? बोल यार। वो तू प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, मेरे लिए जॉब देख सकता है क्या? मेरा ही जॉब डाउट में है यार, सॉरी यार। ओह इट्स ओके, थैंक्स यार।
जी सुनिए। क्या है? बच्चे की स्कूल फीस भरनी है। एक बार में समझ में नहीं आता तुझे, इंसान है या जानवर? अंदर जाओ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था, जो मरा है वो फिर पैदा हो, जो पैदा हुआ है वो फिर मरेगा। एक साइकिल की तरह है, बेचने वाला खरीदता है, खरीदने वाला बेचता है। लेकिन कब? देखो टाइम, टाइम लगेगा इसमें। लेकिन वो टाइम कब आएगा? अगर एक साल रुकोगे तो अभी जो साइट तुम्हारे पास स्टक हुए हैं, इजीली 2 CR, मतलब कितने? 2 करोड़। तुम्हारी माँ की जमीन जो शादी के वक्त 5 एकड़ लिए थे, उसका क्या? वो माँ की जमीन है, उसे कैसे बेचे? हैं? वो खेत नहीं है क्या? खरीदने वाले नहीं होंगे? 1 करोड़ के 10 लाख डील तैयार है, उसके बाद तुम्हें मिलेंगे 2 CR। अरे बराबर है, ज्यादा हो तो 1 गड्डी दे दीजिए। अपना मुंह बंद करेगा बेटा? इधर उधर क्या देख रहे हैं? आपको ही बोल रहा हूँ बेटा। अब से आप ही बेटा जी हो। मैनेजर का है? मैनेजर की क्या जरूरत है? हीरो बनने से पहले मैनेजर रखना पड़ता है। ये दोस्त है मेरा, अब से यही आपका। मैं हूँ सर, धन्यवाद। कल से एडवांस में कैश मिलेगा, उसे उड़ा मत देना। शमशाबाद एयरपोर्ट के पास इन्वेस्ट कर लिया तो बेटा जी की छठी फिल्म से पहले वो प्रॉपर्टी 6 करोड़ की हो जाएगी। ये गिर क्यों गया? नर्वस वीकनेस है सर। जल्दी नर्स को दिखाओ। एडवांस चाहिए क्या? हाथ फैलाने वाले भिखारी है तू। एडवांस ऑफिस में देते हैं। जाऊं सर? मैं एड्रेस बताता हूँ ना। सॉरी सर, मुझे जल्दी बात है। कैसे भी करके 50,000 एडवांस दिला दीजिए। क्या कहा, 50,000? वो 5 लाख से कम नहीं देते। इसे भी नर्वस वीकनेस है क्या? तू जाके पैसे लेके आ जा। तू जाके पैसे लेके आ जा। अभी चला जाऊं सर? आ जा। ए रुक, आज कौन सा बार है? शुक्रवार। शुक्रवार को कौन पैसे देगा? नहीं देंगे। तो देगा नहीं, शनिवार वीकेंड, रविवार छुट्टी। एक काम कर, शूटिंग से पहले ले लेना। हाँ सही कहा, ये बिल्कुल ठीक है। अभी तो शूटिंग शुरू हो रही है ना, इसलिए 5 दे रहे हैं, बाद में 20 देंगे। पूरे 25? अरे बाप रे, ये भी गया ना सर, इसका भी वही प्रॉब्लम है। इसके सारे बैच की यही प्रॉब्लम है। ठीक है अभी मैं चलता हूँ, बहुत काम है यार। कल मुहूर्त है ना, इसलिए बहुत सारी तैयारी करनी है। कटआउट भी बनवाना है, प्रेस को बुलाना है, मीडिया को बुलाना है। वैसे मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाऊं? रवि तेजा को बुला लेता हूँ। रेडी तू आ जा। अरे जेंटलमैन, बॉम्ब प्लांट होने की खबर कंफर्म हो गई है। पिछली बार की तरह इस बार फेल नहीं हो सकते। सो फकीर सर, संतोष सर, गोविंद रेड्डी सर, राम सर, रमान तुम सब रुको, एंड जेम्स यू टू। यस सर। बाकी सब लोग जा सकते हैं। तुम सब 15 दिन घर नहीं जाओगे, इन्फॉर्म कर दो। हम सब यहीं पर ऑफिस में ही स्टे करने वाले हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। यू ऑल आर रेडी? यस सर। तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? कुछ होगा तो बता दूंगा ना, क्यों बार बार पूछ रही हो? श्रवंती को जॉब भी मिल गई है, परसों घर आकर बताया था। और मेरे पापा भी शिकागो श्रीहरि का रिश्ता भी लेकर आए हैं, ऊपर से कुंडलियां भी मिल गई हैं। आनंद, तुम सीरियसली ट्राई कर रहे हो ना? बताओ। नहीं, नहीं कर रहा हूं। कैन वी चेंज दिस टॉपिक प्लीज? बोल। सुब्रमण्यम जी अच्छा सौदा लेकर आए। वो धोखे पास कहां मिल गया तुझे? जीजा जी ने कहा था, मैंने ही ना मानकर तुझे सपोर्ट किया। क्या ये हमारी जिंदगी में हमारी आदत है, हमारी हैसियत है? सुनो, मुंह बंद करो, देना है तो मेरा साथ दो, नहीं तो यहां से चले जाओ। तो फिर उसे बुलाया ही क्यों, तेरा साथ देने के लिए? माँ, मैं ये सब नहीं जानता, दस्तखत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ नहीं करूंगी। क्या समझ में नहीं आया? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मंगलसूत्र की कीमत है वो खेत। मंगलसूत्र ही नहीं रहा, खेत का क्या करोगी? अचार डालोगी? कार भी चली गई, किराया भी नहीं दे पा रहा हूँ, मर रहा हूँ यहाँ। तो पीने के लिए कहाँ से आ रहे हैं? ए, उठो, बाहर जाओ यहाँ से। तू बहुत गलत कर रहा है, देख मैं। ए! अरे! तुम मुझे क्या समझाओगे? निकलो यहाँ से। क्या कर रहा है तू? एक मिनट,
मेरी बात खत्म नहीं हुई है। पता था तेरी बुरी आदतें हैं, पर पता नहीं था तू बुरा इंसान बन गया है। किसान के परिवार में बड़े छोटों का अब लिहाज नहीं रहा। चलता हूँ। भैया रुक जाओ भैया। हाय अंजलि। हाय आनंद, हाउ आर यू? फाइन। जूस फॉर यू। ओह थैंक्स। जॉब का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ मतलब? कुछ नहीं हुआ मतलब कुछ नहीं हुआ। अरे मेरे पूछने पे तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो? समझो आनंद, पापा रोज फोर्स कर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती से उस शिकागो श्रीहरि को ग्रीन कार्ड भी मिल गया है। बहुत टाइम वेस्ट किया, जो अब छूटते ही तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए था। पार्टी करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा था तुम कोई जॉब ढूंढ लेते। कॉफी पियोगी? प्रदीप से मिले क्या? प्रदीप कौन है? वो उस दिन जॉब ऑफर। डैम फुट, मैं नहीं मिलूंगा, मुझे मिलने की जरूरत भी नहीं है। व्हाट इज दिस आनंद, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ आ रहा है? मुझे समझ आ रहा है, तुम नहीं समझ रही हो। तुम कैसे बिहेव कर रही हो? मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ आनंद? आई एम जस्ट सपोर्टिंग यू। नो, यू आर नॉट सपोर्टिंग मी। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है? हमें बात। एक्सक्यूज मी सर, टू कॉफी। मुझे नहीं चाहिए। वन कॉफी। ओके सर। हमारे बीच बात करने के लिए और कुछ नहीं है क्या? मेरी जॉब के अलावा? कैसे हो, कुछ खाया? ये नहीं पूछा तुमने। जब देखो जॉब। क्या बात कर रहे हो? पापा हर रोज मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हें जॉब मिली है या नहीं। अब क्या हुआ, मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं उन्हें इंसान नहीं लगता? क्यों, जब मेरे पास जॉब थी तो वो खुद आकर शेक हैंड करते थे ना। पापा को कुछ मत कहो, बड़े हैं, उन्हें हमारी फिक्र होती है। एक्सक्यूज मी, लेट मी टेल यू वन थिंग। आज तुम कह रही हो कि तुम्हारे पापा को बुरा लग रहा है। तुम्हारे पापा ही नहीं, सारी दुनिया बुरा मान जाए, कल और आज में फर्क सिर्फ इतना है मेरी जॉब नहीं है, लेकिन वो सिर्फ दुनिया के लिए। अगर तुम भी यही सोचती हो तो गुड बाय, टेक योर ओन डिसीजन। What do you mean by my own decisions? कह तो रही हो ना, पापा रोज पूछ रहे हैं शिकागो श्रीहरि। गो फॉर दैट श्रीहरि ओनली। वैसे भी तुम भी वही चाहती हो ना। Like that. सर कॉफी और कुछ चाहिए? सर बिल लेकर आ जाओ। ओके सर। कोई जल्दी नहीं है। हाय, पहचाना? सुनील कटारिया, आईटी। हाय, कैसे हैं आप? मैं भी यही पूछने वाला था। Why sister is going so fast? What happened? छोटी सी प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। मेरे प्रॉब्लम बोलने से पहले ही अगर आपने प्रॉब्लम कह दिया तो डेफिनेटली आप किसी प्रॉब्लम में होंगे। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरी जॉब चली गई सर। योर जॉब गॉन, गर्लफ्रेंड गॉन, नाउ यू आर अ जान। एक सॉफ्टवेयर वाले के पास सब कुछ हो और जॉब ना हो तो बेकार है, इसीलिए मैं हमेशा 2-3 जॉब ऑफर्स जेब में रखता हूँ। ए बिल लेकर आओ। रुके रुके, वैसे अभी मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि आपको कॉफी सर्व करने वाला, मुझे कॉफी सर्व करने वाला एक ही है। तो आप क्या? लास्ट टाइम हमने बिल शेयर किया था तो इस बार टिप शेयर करते हैं। टिप 5 रुपए समझ लो, तो मैं अपने 2.5 रुपए दे दूंगा। बस इस कलयुग की दुनिया में शेयर ना करे तो पेयर भी नहीं कर सकते। वेटर सुनो, हम दोनों का बिल यहीं पर दे दो, हम दोनों दोस्त हैं। सुनिए, याद है ना, 2.50 रुपए आपके, 2.50 रुपए मेरे, टोटल 5 रुपए। ठीक है, ओके। बिल सर। मेरे कॉफी के 30 रुपए, टिप 2.50 रुपए। वेर इज 50 पैसे? सर 50 पैसे रहने दीजिए, जाइए। मिस्टर आनंद, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम नॉट अ बिगर। सुनील कटारिया, आईटी विथ अ जॉब। बस रिसेशन था बोलकर थोड़ा टेम्प्ट हो गया था। यही रोक दो। ला 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 ला। मैं अंदर जाके बात करके आता हूँ। ए तू ठीक से रिकॉर्ड करना।
तेजा मेरा भाई नेक्स्ट सुपरस्टार तेजा मेरा भाई। हाँ जानता हूँ, अपनी स्टाइल ही अलग है। हाँ भाई, तो शूट करते रहे, ये छोटा छतरी तू ऊपर करना। अरे यार सुन, अरे अरे यार, क्या मुझे बुला रहा है? अरे क्या? नहीं यार, अच्छा चेक लेने जा रहा है, चप्पल से मारा है यहाँ। डायरेक्टर राव नाम का कोई है ही नहीं यार। है? क्या बोला? हाउ इट इज पॉसिबल? वो भाग गया। भाग गया? भाग गया? हाँ, उसका काम ही है ये। चला गया मतलब 1.5 लाख रुपया लेकर वो उड़न छू हो गया। इसका मतलब शूटिंग नहीं होगी। ओ भाई लाइन में सर, इंटरव्यू का टाइम हो गया सर, प्लीज सर। ठीक है, थैंक यू सर। सर सॉरी सर, एमडी सर ने दिन में 10 लेने के लिए ही कहा है। एप्लीकेशन के लिए कैसे लिमिट सर, ले लीजिए ना। सुनिए, हमारे भी तो प्रॉब्लम होते हैं ना, वैसे भी हम दिन में कितने फॉर्म्स लेंगे। सर सर प्लीज सर, एक ले लीजिए सर। सॉरी सर, हर महीने तो आते ही रहते हो ना, दोबारा आ जाइए। हाय, अभी मैं बहुत खुश हूँ जी, आप भी मेरी पॉलिसी में आ गए। कैसी पॉलिसी? आपके पास फोन होने के बावजूद आप कॉइन बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब रिसेशन के बारे में आपने बहुत सोचा है। परेशान क्यों कर रहे हो, प्लीज गेट लॉस्ट। सही वक्त पर अंकल ने फोन कर दिया। हेलो अंकल। हाँ वो कैसी है आपकी बेटी, ठीक है ना? चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं, क्या कहा कब आएगी? अब नहीं आऊंगी ये लिखकर चली गई। मेरी बेंच कार भी ले गई, उसे ड्राइविंग तो आती नहीं है। ओ, ड्राइवर के साथ गई क्या? क्या हुआ सर? मेरी वाइफ ड्राइवर के साथ। अगर छुपा के रखेंगे तो ऐसा ही होगा। पॉइंट है सर, सर अगर कोई पॉइंट की बात करे तो मैं मान लेता हूँ सर, मेरे पास वो फिलॉसफी भी है सर, रहकर इस्तेमाल ना करना गलत है सर। इस सिटी में बहुत कंपनीज में मेरा इन्फ्लुएंस है, लेकिन मैंने कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। आप उसका इस्तेमाल कीजिए सर, कम से कम आप और वो सिस्टर खुश रहें, यही मुझे चाहिए। ये लीजिए सर, अगर आप ये कार्ड ले जाकर उन्हें देंगे तो वो आपको जॉब दे देंगे सर, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी सी है सर। जाइए सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं आपसे मैं मिल लूंगा विदाउट शेयरिंग। उसका चेहरा देख के ही समझ गया था मैं, बहुत बड़ा फ्रॉड है वो। अब क्या बेकार की शक्ल लेके बैठा है, उठ। अरे यार मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है? उसने बताया ना, समझ नहीं आया तुझे? तुम लोग भी कंफर्म कर रहे हो, लेकिन मैं हीरो बनूंगा, चप्पल से मारूंगा तुझे। हर जगह से कर्जा ले लिया है, अगर 1.5 लाख नहीं चुकाया ना तो कपड़े उतार कर मारेंगे। यार तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम गांव जाकर जमीन या कुछ भी बेचकर उनके पैसे लौटा देते हैं, हम गांव में ही कुछ ना कुछ करके जी लेंगे यार। लेकिन मैं हीरो बनूंगा। सोच ही रहा था कि बोला क्यों नहीं अभी तक। Why are you so nervous? शिहरी से शादी करोगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी, तुम खुश रहोगी बेटा। मैंने आनंद के साथ अपनी लाइफ प्लान कर ली है पापा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पापा, ये तो आप जानते ही हैं। हमने साथ में पूरी जिंदगी एक साथ रहने का सपना देखा है पापा, आज शिकागो से श्रीहरी, कल न्यूयॉर्क से कोई और, फिर कैलिफोर्निया से। मैं सबको अपना दिल नहीं दे सकती पापा, पिता के नाते आपका फैसला सही है, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ समझौते करने की जगह मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आनंद से ही शादी करूंगी और किसी से नहीं। अगर आपको मेरा फैसला मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो पापा आई एम सॉरी। बेटा जब तुम इतना क्लियर हो तो फिर और मुझे क्या चाहिए, मैंने आज तक बस तुम्हारी खुशी की कामना की है। थैंक यू सो मच पापा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। यहाँ गड्ढा है, गड्ढे में गाड़ी है, गाड़ी में डेंट लगी है, टोटली मैटर पेचीदा हो चुका है। वेनू सर प्लीज सर हेल्प मी सर,
ए भाई, भाई कैमरा ऐसा पैर से जूम कर और चेहरे की तरफ लेके जा। बहुत बढ़िया, एकदम क्लोज दिखाना है, उजाला से। शायद इनके माता पिता नहीं है। इनका दुख देखकर लग रहा है कि सरकार की गैर जिम्मेदारियों से ये बहुत नाराज हैं। अरे चुप करना। उजाला से ये सरकार की गैर जिम्मेदारियों को गाली दे रहे हैं। वेणु। हाँ मैडम, कहिए आप कैसा महसूस कर रही हैं? सर हेल्प कीजिए ना सर। ठीक है, उजाला से इस लापरवाही के लिए ये लोग सरकार से 10 लाख रुपयों की मांग कर रहे हैं। वेणु, तो दर्शकों इनके इस दुख की वजह इनके पति का पैर है या इस बाइक का डेंट, SMS कीजिए। वेणु, ए, उनके दुखी होते हुए एक्सप्रेशंस दिखा कैसे हैं? प्लीज सर। ए, मुझे क्यों शूट करे? पैर का क्लोज ले, देख वहाँ से कितना खून निकल रहा है। आप में थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? ये सरकार से सीधा सवाल है। थोड़ी भी दया नहीं है आप में? ये इनका सवाल सीधा समाज से है। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। देख क्या रहे हो, हेल्प करो। सुंदर लड़की अपनी पब्लिसिटी के लिए गाड़ी उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस बारे में आप कोई कमेंट्स करना चाहेंगी? बताइए। अरे मेरा पैर। जरा बताइए ना। आप इंसान ही हो ना? जब एक घटना घटती है तो मदद करनी चाहिए, इंटरव्यू नहीं। दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। शर्म नहीं आती सड़क पर कैमरा लेकर घूम रहे हो? एक कैमरा घुमा रहे। ताजा खबर, खबरों को अंधेरे से उजाले में लाने वाली मीडिया पर एक लड़की का अत्याचार, आज की ब्रेकिंग न्यूज। मैडम, मीडिया से बदतमीजी करने पर मीडिया आपसे नाराज है, इस पर कोई कमेंट्स? अरे बाप रे। डोंट वरी, इसे मारना जरूरी था और आप हॉस्पिटल जाइए। थैंक यू बेटी। शूट कर रहा है, बंद कर कैमरा। थप्पड़ को क्लोज में लेने की क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी प्लीज। हाय मेघना। हेलो मैडी। MG रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अपने रेडियो पर बोल सकते हो ना? पब्लिक की मदद हो जाएगी। कभी कभी लोगों की मदद करते रहो तो तुम्हें भी थ्रिल मिलेगा। ओके जी, बोल दूंगा। थैंक यू भाई। जल्दी टीवी ऑन कर लो, बस स्टॉप पे जा रहा हूँ। टास्क फोर्स बिल्डिंग उड़ जाएगी आधे घंटे के बाद। 4 पंप फटेंगे। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। पूरा हैदराबाद बर्बाद हो जाएगा। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। अल अकबर, अल सुल्तान, अल अजीम, वल कतर, अल मुकरम, इमामी, आदिल, सुल्तान, उल इस्लाम कफर, उल मुदा अली, बादशाह, गजीजुल्लाह जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर की बेगम, नूर जहान, तशरीफ ला रही हैं। वाओ, वाओ, कहाँ से सीखा तुमने? जानती हो, 2 वीक से अकबर के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। वाह 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 वाह, शाबाश बेटी। इस तलवार की कीमत 12,000 रुपए है, मगर मैं तुम्हें 8,000 रुपए में दे दूंगा। बाकी के 4,000 रुपए आपकी शादी में मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, ठीक है ना? थैंक यू बाबा। अगर नहीं किया तो जैसे तेरे मामा को मारा है वैसे मारेगा, या जैसे तेरे बाप को खा गया वैसे खा जाएगा मुझे। तेरे पति को मैंने नहीं खाया, बुड्ढा हो गया था, मर गया। ए जी, क्या हुआ? पैदा ही क्यों हुआ ये? कैसी जिंदगी है रे तेरी? इसकी भलाई के लिए लेकर आए थे ना यहाँ। तुझे ऐसे जीना चाहता है, ये जिंदगी हमारी नहीं है। ये पीना घूमना हमारी जिंदगी नहीं है। सुबह सुबह उठकर मिट्टी से बात करने वाले इंसान है हम, तो ये भी कोई जिंदगी है क्या? अब मैं तेरे पास नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। पर जाते जाते तेरे पिताजी की एक बात कहकर जाती हूँ, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कल 4 पैसे कमा कर तू ये सोच लेगा कि मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन लेकिन तेरे पिताजी की तरह 2 निवाले खाकर रात को आसमान में तारे देखते हुए जो सोते थे ना, उतनी चैन की नींद तुझे इस जन्म में नहीं मिलेगी। माँ जी,
हम सबको छोड़ के मत जाइए। मैं जा रही हूँ बहू, मुझे माफ कर दो। दादी माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सुनील जी ने रेफर किया है सर। This is my resume. I was working for Satyam sir. I was a senior project manager. Now I can handle everything sir. Good. You are appointed. Thank you sir. Congrats. I'll see you in the morning sir. That way. आनंद, कैसे हो? Good. तुम्हें एक बात बतानी है। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? मुझे जॉब मिल गई है। Really? कल और आज में फर्क यही है कि आज मेरे पास जॉब है, लेकिन सिर्फ यही नहीं। और क्या? बता दूंगा, पहले हम मिलते हैं। बस स्टॉप पर वेट करूंगी। ओके बाय। हाँ मम्मी, बोलो। कुछ खाया? यस, इडली और दूध। हमेशा वही? मम्मा, प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, रूटीन समझकर कॉफी पियेंगे क्या? अच्छा है ना? बहुत बदल गई है तू। ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ। विल कॉल यू लेटर। बाय, लव यू। ये कुछ भी बोलती है। काम कर, मैं ओल्ड एज होम जा रही हूँ। फॉलो अप कर लो, अर्जेंट हो तो ही फोन करना, ठीक है? सिटी में स्वाइन फ्लू हो रहा है, हैंकरचीफ यूज कर ले। हाँ? चलिए, टिकेट टिकेट टिकेट। होल्ड ऑन। क्या यार, ए, ए, बस से क्यों उतरे? चल चलते हैं। अरे पैसे कहाँ से लाएंगे? चुका देंगे यार, तेरा हीरो बनने के बाद चुका देंगे। छोड़ ना यार। बात समझ में नहीं आती, तू हीरो बनेगा। वहाँ देख, मुझे तू दिखाई दे रहा है वहाँ। हाँ यार, हमें भी दिखाई दे रहा है। तू हीरो बनेगा यार, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा हीरो। अरे सुन, मैं हीरो बन के दिखाऊंगा, तुम तीनों के लिए बनूंगा, हीरो बनूंगा मैं। हेलो हेलो, मैं वैष्णव अकेडमी से बोल रहा हूँ, आपका नाम तेजा है? वो 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 वा, वा, आपने मुझे फोन किया? मैं तेजा हूँ। डायरेक्टर साहब को आप पसंद हो? आपको सेकंड हीरो बनाना चाहते हैं, आप ऑफिस में आ सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? शिव कुमार, मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर? क्या क्या ये बात सच है? क्यों, कोई शक है? अच्छा, आप डायरेक्टर राव को जानते हैं? वो कौन है? ये नहीं जानते। हेलो सर, मैं 15.5 मिनट में आपकी ऑफिस में पहुंचता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे 15 मिनट में पहुँचते, नीचे उतारो। 15.5 मिनट मतलब आधा घंटा। माँ जी, आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। बाकी है। नीमा, चुप रहे। दादी माँ चलिए हटिए, दुल्हन आ रही है। तुम में से दुल्हन कौन है? यही दुल्हन है, नूरी। दुल्हे का नाम है अकबर। ये थोड़ी पागल है, आप बुरा मत मानिए। फिर पता है क्या हुआ? वो बोल रहा था और मैंने फोन काट दिया। शादी के बाद उन्हें दीदी बचाना। बस इधर ही रुक दीजिए। कोई बात नहीं, आनंद के आने तक वेट करूंगा। नहीं पापा, आप जाइए। ठीक है, उसे घर ले। ठीक है पापा, मैं उसका आऊंगी। ध्यान रखना। हाँ, ओके, बाय पापा। बाय बेटा। तो क्या तेरी फ्लाइट आएगी सीमा? जस्ट जोकिंग।
सलीम, दोस्तों के पास एक्टिवेट कर दिया। नूरी है। नूरी कौन है? हमारे बादशाह की बहन, बस स्टॉप पर है। So what? मुझे पहचान लेगी भाई। शूट कर दे। शाम तक बादशाह भी नहीं रहेगा। एक किलोमीटर के अंदर सब बर्बाद हो जाएगा। 6 मिनट का वक्त है सर। क्या? हमें कुछ करना ही पड़ेगा सर। वॉटर सर, मेरी बात सुनिए, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। Somebody take out the bomb! मैं सब कुछ बताऊंगा। चलो चलो। नहीं आनंद, रुको, लिफ्ट द बॉम्ब, दीवार तोड़ के निकालो। कम ऑन कम ऑन। Yeah.
Keep breaking! Take out the bomb! Take it fast, man! Come on, quick! इसी गाड़ी से फोन को दूर ले करके जाओ! आनंद नहीं! कुछ नहीं होगा अंजलि, चलो! Come on, get him fast! Hello, Madhopur control room, Black Scorpio, voice is 88. हर युद्ध का एक अंत होता है। इस युद्ध का अंत इस तरह हुआ। हर इंसान की एक कहानी होती है, लेकिन अगर आसपास की कहानियां भी मिलें, तो उसे जिंदगी कहते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। Everything is under control. 5 बम मिल गए हैं। टेंशन की बात नहीं है। आज एक बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक को कुछ ऑर्डिनरी सिटीजन से मिलकर नाकाम कर दिया। ये 5 साधारण व्यक्ति असाधारण बन गए। ओम शांति के लिए प्रेरणा बन गए। हमारी ओम शांति है। आवाज सुनकर उस पर फिदा हो गई। दिखने में अच्छा ना हुआ तो फिर तो क्या डिसाइड किया है? चले यहां से, देख लेते हैं। क्या देखना है? चल ना, चल। प्लीज काव्या, 5 मिनट्स। तो हमेशा ऐसा ही करती है। तुमने तो कहा था कि मिलकर थ्रिल मिलेगा, और अब जा रही हो। हाय, आई एम माधव, माधव एमबी कुमार, तो चेयरमैन ऑफ माधवानी ब्रॉडकास्टिंग। गुड फॉर यू। तो मैं क्या करूं? हाँ, तो ये फूल, ये माधव एमबी कुमार नहीं दे रहा है। मेरा निकनेम है मैरे 98.3 FM रेडियो मिर्ची के बहुत ऑक्टर गुरु। इट्स मी। ओह माय गॉड, नॉट कॉन्शियस मैडी। मेघना, प्लीज टू मीट यू मेघना। शैल वी, चलो बताता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी जिंदगी में जो चाहिए उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए डे टाइम बिजनेसमैन माधव कुमार एंड नाइट टाइम रेडियो जॉकी मैरी। कूल।
So? बुरा ना माने तो एक अल्टीमेट ड्रिल शेयर करें? हाँ? लंच? या थैंक यू ऑल ऑफ अस टेक्स टाइम हाँ, रुको रुको, मेल रिप्लाई दिखाता हूँ। रिसेप्शन में मैरिज। ओह अच्छा, तुम भी कह दो कि हम खुश हैं। व्हाट? बेल पिटीशन पर दस्तखत चाहिए। नो। क्यों, क्या हो गया? मुझे समाज में जीने का कोई हक नहीं है। मैंने कितनी बड़ी गलती की मुझे उस दिन अपनी बहन को देखकर पता चला। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, कोई वकील भी मत रखना। मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है बादशाह, गलतियां सभी करते हैं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अगर मुझे फांसी की सजा मिले तो नूरी से एक बार मिलना है। अकबर। हाँ? नूरी का ध्यान रखना। डोंट वरी, आई विल टेक केयर। एक्शन। सुपर तेज बाबू।